हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप डेटा फ्रेम में सॉर्टिंग को किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम डेटा फ्रेम में मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के लिए अपने एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और अपने इस वीडियो के लास्ट पोर्शन में हम एग्जांपल्स का यूज करते हुए ये देखेंगे कि आप डेटा फ्रेम्स को किस तरह से कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। दोस्तों, डेटा फ्रेम पाइथन पांडास में अवेलेबल एक डेटा स्ट्रक्चर का टाइप है। हमने पांडास डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स से रिलेटेड वीडियोस की पूरी सीरीज बनाई है। आपको हमारे उन सभी वीडियोस के लिंक हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए। आप हमारे उन वीडियोस को जरूर देखें, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी। अपने इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपके पास कोई सजेशंस है जिसके थ्रू हम अपने चैनल को और भी अधिक बेहतर बना सकते हैं तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके इम्पोर्टेंट सजेशंस के लिए हमेशा ओपन है। दोस्तों, YouTube के साथ ही आप हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनकी लिंक्स आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और देखते हैं कि इस वीडियो में आपके लिए क्या कुछ खास है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि आप डेटा फ्रेम में सॉर्टिंग को किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। डेटा फ्रेम में एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए हम सॉर्ट वैल्यूज मेथड का यूज करते हैं। जब कभी हम सॉर्ट वैल्यूज मेथड का यूज करेंगे तब हमें इस फंक्शन में दो आर्गुमेंट पास करना होगा। फर्स्ट, फील्ड का नाम जिसके अकॉर्डिंग आप सॉर्टिंग परफॉर्म करना चाहते हैं, एंड सेकेंडली सॉर्टिंग ऑर्डर को बताना होगा। सॉर्ट वैल्यूज मेथड से बाय डिफॉल्ट जो सॉर्टिंग होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है। अपने एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले डिक्शनरी का यूज करके स्टूडेंट मार्क्स और स्टूडेंट एज नाम से दो सीरीज बनाई हैं। उसके बाद हमने अपने अगले स्टेटमेंट में स्टूडेंट डेटा फ्रेम नाम से डेटा फ्रेम बनाने के लिए डेटा फ्रेम मेथड में उन्हीं दो सीरीज को एज अ पैरामीटर पास किया है और इस तरह जो डेटा फ्रेम क्रिएट होगा वो आपके सामने एज अ आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। अगले स्टेटमेंट में हमने सॉर्टिंग को परफॉर्म करने के लिए सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन का यूज किया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट हमारे डेटा फ्रेम एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और अपने एग्जांपल में हमने मार्क्स कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। और ठीक इसी तरह हमारे अगले स्टेटमेंट में हमने डेटा फ्रेम एलिमेंट्स को मार्क्स के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। आप एग्जाम्पल में देख के समझ गए होंगे कि अगर आपको सॉर्टिंग ऑर्डर चेंज करना है तो आपको असेंडिंग में एट्रीब्यूट्स को चेंज करना होगा। अगर हम अपने डेटा फ्रेम एलिमेंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें वैल्यू देनी होगी फॉल्स, और जब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहें तो वैल्यू देनी होगी ट्रू। अपने वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, आपके कमेंट से हमको पता चलता है कि हमें अपने चैनल में और क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, इसलिए आप हमारे वीडियोस में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अपने अगले एग्जांपल में हम देखेंगे कि आप मिसिंग वैल्यूज को डेटा फ्रेम में किस तरह हैंडल करेंगे। दोस्तों, सीरीज की तरह ही हम डेटा फ्रेम में भी मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर सकते हैं। जैसा कि हमने सीरीज से रिलेटेड अपने पिछले वीडियोस में देखा था कि जब भी कोई डेटा अनडिफाइंड हो तो वहां पर पांडास उन मिसिंग वैल्यूज के प्लेसेस में नन नॉट अ नंबर एलोकेट कर देता है। अपने एग्जांपल में हमने सबसे पहले ए नाम से एक नेक्स्टेड लिस्ट क्रिएट की है। उसके बाद डी एफ नाम से डेटा फ्रेम बनाने के लिए डेटा फ्रेम मेथड में उसी नेस्टेड लिस्ट को एज अ पैरामीटर पास किया है और
उसके बाद हमने डेटा फ्रेम को आपके सामने डिस्प्ले किया है। आप देख सकते हैं कि नॉट अ नंबर वैल्यू किस तरह से हमारे डेटा फ्रेम में एलोकेट हुए हैं। अब हम देखते हैं कि हम इन मिसिंग वैल्यूज को किस तरह से वैल्यू असाइन करेंगे। इसके लिए हम फील एन ए फंक्शन का यूज करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल में देखें तो हमने फील एन ए फंक्शन का यूज करके नॉट अ नंबर की प्लेस में जीरो को असाइन किया है। अपने अगले एग्जांपल में हम देखेंगे कि आप नॉट अ नंबर की प्लेस में किसी कांस्टेंट वैल्यू को कॉलम वाइज किस तरह असाइन करेंगे। हमने यहां पर आपके सामने सबसे पहले नन वैल्यूज के साथ डेटा फ्रेम को डिस्प्ले किया है। उसके बाद हमने फील एन ए फंक्शन का यूज करके मिसिंग वैल्यूज के पोजीशन में कॉलम वन में वैल्यू -10 और कॉलम थ्री में वैल्यू -5 असाइन की है। उसके बाद फिर से हमने अपने डेटा फ्रेम को डिस्प्ले किया है और आप देख सकते हैं कि अब कॉलम वन और कॉलम थ्री में वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर सेल की वैल्यू को किस तरह मिसिंग वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। इसके लिए फिर से हमने अपना प्रीवियस डेटा फ्रेम ही यूज किया है और हमने डेटा फ्रेम के अबव एडजेसेंट सेल वैल्यू को मिसिंग वैल्यूज में असाइन करने के लिए फील एन ए मैथड के अंदर मैथड एट्रीब्यूट को एफ फील वैल्यू असाइन की है। अब हम आउटपुट में देख सकते हैं कि हमारे डेटा फ्रेम के अबव एडजेसेंट सेल से डेटा वैल्यूज हमारे मिसिंग प्लेसेस में असाइन हो चुकी हैं। अपने वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, आपके कमेंट से हमको पता चलता है कि हमें अपने चैनल में और क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, इसलिए आप हमारे वीडियोस में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि आप दो डेटा फ्रेम को किस तरह से कंबाइन या फिर कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। अपने एग्जाम्पल में देखें तो सबसे पहले हमने सीरीज D1 बनाया है, उसके बाद उस सीरीज का यूज करके DF1 नाम से एक डेटा फ्रेम बनाया और कॉलम को रोल नंबर और नेम नाम से लेबल दिया है। ठीक इसी तरह हमने D2 सीरीज बनाई है और उस सीरीज का यूज करके DF2 नाम से एक दूसरा डेटा फ्रेम भी क्रिएट किया है और वो दोनों डेटा फ्रेम आपके सामने स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने दोनों डेटा फ्रेम को कॉन्केटिनेट करने के लिए कॉन्केट मेथड का यूज करते हुए रो वाइज कॉन्केटिनेशन को परफॉर्म किया है। फिर अगले स्टेटमेंट में हमने अपने दोनों डेटा फ्रेम को कॉलम वाइज कॉन्केटिनेट किया है और हमने इसके लिए कॉन्केट मेथड में डेटा फ्रेम्स के साथ साथ रिस्पेक्टिवली एक्सिस 0 और एक्सिस 1 का भी यूज किया है। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो इसे शेयर और लाइक करने के साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट्स और सजेशंस हमारे चैनल और वीडियोस के इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट पर भी विजिट करके आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। उन सभी के लिंक्स हमने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड वीडियो।